नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 41 इयर्स है। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है, सॉल्यूशन चाहिए। अब मैम, आपके हाथ में जो मैरिज लाइन होती है, जिसे रिलेशन लाइन कहते हैं, बुध पर्वत के नीचे, वो पूरी बैंड हो रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी मिलता है, वो डोमिनेट माइंड का मिलता है। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी आपको एक दो उपाय जरूर दूंगा, उससे थोड़ी तो राहत आपको जरूर होगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका हाथ देखकर कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला, बहुत सारे ऑफशूट, बहुत सारी समृद्धि आपके जीवन में मुझे आगे चलकर दिख रही है। तो पैसे के मामले में तो आप हमेशा संपन्न रहोगे, आज भी आप संपन्न हो, आगे चलकर भी संपन्न रहोगे। और जो जो मुझे एनालिसिस के अंदर समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। पर उस जो शादी की रेखा है या जो रिलेशन लाइन की रेखा है, उसको तो मैं सुधार नहीं सकता। तो ये पॉइंट भी आप सामने रखना, दिमाग में रखना आपके। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने या धनुषाकार रेखा बने, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। तो ऐसे लोग बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति वाले होते हैं, पर साथ में चौड़ाई है तो मेहनती भी होते हैं। अंगूठा बैंड हो रहा है, तो ऐसे लोगों में मित्रता का भाव बहुत ज़्यादा रहता है, चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हैं। सेकेंड चीज ये होती है कि अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। पर फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। और सेकंड फैलेंज, इन्होंने एक मेंशन भी किया है कि हमेशा मैं सेटल करती हूँ उन झगड़ों को और फिर वापस वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो ये ड्यू टू आपका जो अंगूठा है वो पतला है, तो आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हो। पर मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाला जीवन आपके जीवन में खुशहाली भरा दिख रहा है। टेक्निकल थोड़ी सी धन रेखा भी अभी वर्तमान में इतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे एक साथ कारण हो जाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। पर आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, मैं ये नहीं बोलता हूं कि संपूर्ण राहत होगी, पर आपको काफी राहत होते हुए मुझे दिख रही है आपके हाथ में। सेकेंड सवाल इनका बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों का तो बच्चों का हाथ देखने पर ही पता चले उनके जीवन में कितनी प्रगति होगी, पर आपका पैसे के मामले में आपका जीवन काफी अच्छा रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उंगलियों पर यहां पर एक्सीडेंट हुआ है, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी देना गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंड हो गई है और इन्होंने कहा भी है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधी उंगलियां हो नहीं रही है, तो पता नहीं चलता बुध की उंगली कहां तक पहुंच रही है, सूर्य की बड़ी है या गुरु की बड़ी है, ये पता नहीं चलता। हाँ, छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होंगे। अब आपका जो मेन प्रश्न था, जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए, वो है ये, देखिए ये यहां से चलकर पूरी घुमाव ले रही है और ऊपर से अगर ये फोर्क बनता होगा तो और गरीबी में आटा गीला, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये जब कंडीशन होती है, इस तरह से बैंड होता है, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो संपूर्ण तरह से डोमिनेट माइंड का मिलता है। आप किसी से भी शादी करते हैं मैम, तो आपको इसी तरह का व्यक्तित्व वाला जीवन साथी मिलता। बुध पर्वत काफी अच्छा है, तो ऐसे लोग मीठी जुबान वाले होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, सुंदर होते हैं, दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, ये प्लस पॉइंट है। यहाँ पर यश साइन भी है, तो जीवन में यश भी आपको प्राप्त होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एक शुक्र वलय भी है, दो से तीन शुक्र वलय, तो आप कला प्रेमी व्यक्तित्व के धनी होंगे, बहुत ज़्यादा कला आपको पसंद होगी, हो सकता आप में भी कोई ना कोई उच्च लेवल का टैलेंट हो कला के प्रति।
क्योंकि बहुत सारे शुक्र वलय है और ये भी समृद्धि दर्शाते हैं, इनके कारण भी जीवन में समृद्धि होती है। और दूसरी साइन भी आपके पास है जीवन में समृद्धि की, ये इतनी समृद्धि नहीं देते जितनी ये साइन समृद्धि देती है। बड़ी मुश्किल से आपके फोटोग्राफ आ रहे थे तो मुझे एक क्लियरिटी दिखी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक यहाँ पर फिश साइन बनी हुई है, ये देखिए क्लियर फिश साइन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और एक यहां पर भी है। तो समृद्धि तो आपके जीवन हो सकता है, और एक दो और होंगी आपके, एक और दिख रही है मुझे इस फोटोग्राफ में, पर वो किंतु परंतु में जा रही है। यहां पर इस तरह से लाइन घूमते हुए नजर आ रही है। अगर ये साइन होगी तो आपके जीवन में समृद्धि काफी अच्छी होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है। और शुक्र वलय भी देखिए, बहुत सारे शुक्र वलय आपके हाथ में, तो कला प्रेमी तो भरपूर होंगे आप, उसमें कोई ना नहीं। अब चलते हैं आपके रेगुलर पाम पर। और महिलाओं के हाथों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनकी रेखाएं इतनी बारीक होती है कि हम एकदम स्पष्ट निर्णय नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं किंतु परंतु वस्तुएं आ जाती है। शनि पर्वत पर देखें तो अगर ये स्क्वायर बनते होंगे तो आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा, और आपकी जो फेट लाइन है वो एक सर्टन एज के बाद सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। और यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना हुआ है, ट्रायंगल भी बना हुआ है, और ये जो जीवन रेखा है ये भी आपकी शाखा चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो आपका काय का कामकाज है या किस चीज़ का पता नहीं, पर भविष्य में आपके विदेश से धन प्राप्ति यानी विदेश सेटलमेंट के योग क्लियर कट आपके हाथ में है। और कंटिन्यू रेखा है तो इनकम तो कंटिन्यू आती रहेगी, इनकम का कोई प्रॉब्लम इस लाइन में नहीं है। यहां पर ये लाइन होती है तो व्यक्ति को चार बेनिफिट देती है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और आपके जैसे फिश साइन वाले लोग जिस घर में भी जाते वहां समृद्धि बढ़ती है, तो ये तो सनातन सत्य है। सेकेंड, इस तरह की लाइन हो तो व्यक्ति सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, और चौथा लाभ जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलते, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को तीन। जुपिटर माउंट आपका इतना अच्छा नहीं है, जो भी शनि पर्वत के अंदर चला जाता है माउंट, उस व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है, और उसमें भी खासकर महिलाओं को। मैं इसका तो उपाय मेरे पास है, उससे आपको काफ़ी रिलैक्स होगा, मैं उसका ना नहीं बोलता हूँ, पर इस लाइन को मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा आपको, इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं ये उपाय तो दे दूंगा तो आपको जीवन में काफ़ी रिलैक्स होता हुआ दिखेगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। तीसरी चीज, सेवाभावी होते और धार्मिक भी होते। यहां पर बहुत सारी लाइन है, ये लाइनें व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, ये थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता है। मैं आपको सलाह दूंगा, भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करें, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो, नहीं तो आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो। और मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। हाँ, ये ज़्यादा लाइन बढ़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का हैवी शिकार बनता है, उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर अगर ये लाइन इस तरह से निकलती होगी तो आपको लिखाई का अच्छा शौक होगा, अगर ये लाइन लिखाई का शौक होगा तो आप इस हुनर को आगे बढ़ाइए,
आपके हाथ में यश साइन भी है, आपको कला के प्रति जानकारी भी है, तो आप लेखक भी बन सकते हो अगर ये क्रॉस नहीं करती होगी लाइन तो। जीव माइंड लाइन से निकलती होगी तो, क्योंकि इतनी बारीक रेखा है, इतनी स्पष्टता नहीं आती, क्योंकि इन्होंने इंक लगाकर भी पाम भेजा, उससे ज्यादा क्लियर ये ज्यादा फोटो क्लियर था, इसके लिए मैंने इसका यूज किया। और ये लाइन होती है ऊपर या नीचे, तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू जीवन में रहता ही है। यहां पर ट्रायंगल है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, ये व्यक्ति को या तो कवि बनाती है या विदेश से धन प्राप्त करवाती है। और चंद्र पर्वत आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे लोग अच्छे परचेसर होते हैं, विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, किसी के शादी के कपड़े खरीदने, ऐसे लोगों को साथ में भेज दो तो इतने अच्छे कपड़े खरीद के आएंगे कि चार लोग पूछेंगे कि कहां से खरीदे, इतने अच्छे परचेसर होते ये लोग। तो ये चंद्र पर्वत आपका बहुत अच्छा है। यहां पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ये भी एक समृद्धि की निशानी है। ऐसे जनरली फिश साइन वालों को न भी हो मनी ट्रायंगल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपके जीवन में है। शुक्र पर्वत में मुझे ऐसी कोई कमी लग नहीं रही है, काफी अच्छा शुक्र पर्वत है। और ये जो लाइन है, इतनी लाइन भी हाजमे का प्रॉब्लम देती है जीवन में। शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी तरह रहता है, थोड़ी सी कामुक भावना भी रहती व्यक्ति में, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहता है व्यक्ति का शुक्र पर्वत के कारण, गर्मी पसंद नहीं आती। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकल रही है और ये चलकर, और उसमें से ये जो रेखाएं निकलती है ये थोड़ा गुस्सा भी दिलाती है आपको, और ये जो रेखा है ये सेवा भावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर एक दो फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुपिटर से निकलती है तो भरोसे लायक इंसान बनाती है, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आओगे। और बहुत अच्छी कव ले रही है आपकी रेखा, तो देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, किसी से दुश्मनी नहीं, इस तरह का स्वभाव व्यक्ति में पाया जाता है जब इस तरह की हृदय रेखा होती है। आपकी माइंड लाइन को देखें तो एक माइंड लाइन आपकी यहां से जो निकल रही है ये नीचे जाती है, ये आपको धार्मिक बनाती है, और ये लाइन जुपिटर से निकल रही है तो आप जिद्दी भी होंगे, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं आता, अपने मन मर्जी के मालिक होते, पर जब परिवार को या मित्रों को जब जरूरत होती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और ये भी लाइन बैंड होकर नीचे चल रही है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आता होगा तो गुस्सा जरूर आता होगा आपको, ज़्यादा दबाव नहीं झेल पाता व्यक्ति, बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती। सेकंड, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते ये लोग, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। व्यक्ति चेंज होते रहते हैं, हम अगर 60 या 70 ईयर्स की अगर लाइफ को गिने तो 60-70 ईयर्स में 2-3 बार व्यक्ति चेंज जरूर होते हैं, पर बोलने की आदत जाती नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं ये लोग। और सर्टन एज के बाद आपको ईश्वरीय शक्ति का भी एहसास होगा, सपने ज़्यादा आते व्यक्ति को, इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है, और आपको तो रियल में कोई ना कोई कला क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेशन करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शुक्र वलय है, ये रेखा यहाँ पर आ रही है, अगर आप कवि होंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है, और ये राइटिंग की रेखा, आपको इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए कला क्षेत्र में। अब एक लाइन मुझे यहां पर शो हो रही है, ये लाइन, ये लगभग 26 के आसपास, 25 के आसपास अगर ये जॉइंट होती होगी तो आपके जीवन में यहाँ पर शादी हुई होगी
और ये जॉइंट नहीं होती होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा आपको। उसके पहले भी एक लाइन थी, अब ये भी जॉइंट हो तो अलग बात है, और ये जॉइंट नहीं होती होगी तो 4 साल पहले आपको कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उसके पहले 3 साल पहले भी थी और ऑफशूट भी था तो कोई ना कोई सफलता मिली होगी। उसके बाद एक 28 के आसपास ये जो माइंड लाइन ये भी काट रही है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई तकलीफ आपको आई होगी। और एक यव साइन बनी हुई है आपके हाथ में, ये आपको पेट से रिलेटेड इशू 23 से लेकर 34 तक भरपूर दिया होगा। और अगर ये यव साइन नहीं होगी तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी 23 से लेकर 34 तक आपने संभाली होगी, और यव साइन होगी तो ये बंधन भी लाती है प्रोग्रेस में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घोड़े की लगाम को बांध के रखा है, इस तरह की फीलिंग आती है। तो 23 से 34 तक आपको इस तरह की फीलिंग आई होगी, और पेट 100% खराब होता है। के बाद एक लाइन आपकी यहां पर शो हो रही है, ये अगर जॉइंट होती होगी तो यहां पर आपको इलू इलू हुआ होगा, और नहीं होती होगी तो ये राहु रेखा थी। फिर 40 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, एक 41 के आसपास जो वर्तमान समय में राहु रेखा ने काटा है। और जब महिलाओं को राहु रेखा काटती है तो उनको नेगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। महिलाएं ऐसे बहुत सशक्त होती है, पर ये सर पर वार करती है और वो अपनी नेगेटिविटी घर में निकालती है, बच्चों पर, हस्बैंड पर, क्योंकि वो इजी अवेलेबल होते हैं। तो ये राहु रेखा के पीरियड से आप गुजर रहे हो अभी वर्तमान में, और उसके जस्ट बाद आपको एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिल रहा है। तो हो ना हो एक आध डेढ़ साल के अंदर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी या अच्छी सफलता जीवन में शो हो रही है। उसके बाद 45 में एक राहु रेखा ने काटा है, और उसके बाद 46 में एक ऑफशूट है, फिर 49 में भी ऑफशूट है, 51 में भी है, और उसके बाद भी बहुत सारे ऑफशूट है जो मैंने मेंशन नहीं किया। हर 2-3 साल में आपको ऑफशूट है। तो आपको समृद्धि अब आने वाला समय आपके लिए पैसे के मामले में तो अच्छा जाने वाला, आपका समय काफ़ी अच्छा जाएगा। और ये जब फोर्क बनता है तो जीवन में यात्राएं भी भरपूर रहती है व्यक्ति को। अब आपके धन रेखा को देखते हैं। धन रेखा यहां से चली और अप टू यहां तक लगभग 37 तक ही अच्छी थी। उसके बाद कोई ना कोई कमाई के माध्यम में 36 या 37 में आपके बदलाव आया होगा, और ये जो लाइन थी ये यहां तक इतनी सुंदर धन रेखा नहीं है इस पीरियड तक, और ये पीरियड होगा 41 तक का, और उसके बाद थोड़ी सी व्यवस्थित हो रही है और ये आगे बढ़कर ऐसे घुमाव ले रही है। एक और लाइन है और बहुत सारी लाइनें दूसरी भी आगे सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो ये ही कारण है कि भविष्य में आपका विदेश सेटलमेंट मुझे पक्का लग रहा है। पूरे योग आपके हाथ में मुझे विदेश सेटलमेंट के लग रहे, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रायंगल का होना और धन रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना। आर्थिक रूप से ज़्यादा तकलीफ आपके आने वाले समय में तकलीफें नहीं है, और आपका प्रश्न भी नहीं था आर्थिक का। या दूसरी, जब ये इस तरह की धन रेखा होती है तो लोगों का सहयोग भी कम मिलता है। ये इस तरह की धन रेखा हो और उसमें भी खासकर इस पीरियड तक तो बहुत ज़्यादा, 41-42 तक तो आपको बहुत ज़्यादा धन रेखा खराब है। तो लोगों का सहयोग नहीं मिलता, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस रहता है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के रहती है, और ग्रोथ भी थोड़ी सी कम होती है। पर ये बहुत सारे ऑफशूट आपके हाथ में आने वाले समय में दिख रहे मुझे, ये आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। तो बुढ़ापा अच्छा है, आने वाला समय आपके लिए आर्थिक रूप से तो और ज़्यादा अच्छा मुझे शो हो रहा है, और बाकी के मैं उपाय दे दूंगा एक दो आपको, उससे थोड़ी सी तो रिलैक्स आपको जीवन में होगी। संपूर्ण रिलैक्स नहीं होगी,
क्योंकि डोमिनेट मानसिकता आपकी हाथ पर क्लियर कट शो हो रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।